वेलकम बैक टू माई चैनल इंडियन एक्का बॉय बैक विद अ न्यू वीडियो। तो आज के वीडियो का हमारा टॉपिक है टर्टल टैंक फिल्ट्रेशन। तो आपके साथ मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ कि मैंने क्या क्या चीज़ें यूज़ करी और जो मेरे लिए वर्कआउट करा है, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि मेरा टर्टल टैंक का पानी इतना क्लियर कैसे रह सकता है। इनफैक्ट अगर आपके पास इससे अच्छे कुछ आइडियाज़ या व्यूज़ होंगे तो प्लीज़ ड्रॉप दोज इन द कमेंट बॉक्स, तो मैं पिछली नेक्स्ट टाइम वो भी कवर करने की कोशिश करूँगा अगर आपके पास और अच्छे आइडिया होंगे। क्योंकि जैसे कि ये हमारा एक टर्टल कम्युनिटी है, हम एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, तो अगर आपके पास और अच्छे आइडिया होंगे तो प्लीज़ डू ड्रॉप देम इन अ कमेंट बॉक्स। एंड या एक्सट्रीमली सॉरी, मेरी कुछ लोगों से बात हो रही थी और ये वीडियो काफ़ी दिन पहले आ जाना चाहिए था, बट थोड़ा डिले होता रहा बिकॉज मैं एक्वेरियम टूर करता रहा प्लस कुछ पेट शॉप्स कवर कर रहा था, उसकी वजह से ये डिले हो गया। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने क्या क्या यूज़ किया अपने टैंक में ताकि वो पानी क्लियर रहे और फिल्ट्रेशन की इम्पोर्टेंस क्या है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, जैसे कि ये है मेरा एक्वेरियम कॉर्नर जिसमें मैंने, ये देखो मेरी फिशेज हैं, कोई फिश हैं, और फिर नीचे मैं आपको दिखाता हूँ ये मेरे टर्टल टैंक। तो आप देख सकते हैं कि ये है जो जिसमें सबसे बड़ा वाला मेरा टर्टल रहता है, और इसका पानी आप देख सकते हैं कि कितना क्लियर हो रखा है अभी फिलहाल। ये है, और प्लस ये मेरे जो छोटे तीन में नए लाया था आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, वो रहे। एंड देन ये वाला जो मैंने सेपरेट किया था, ये क्योंकि ये बाइट कर रहा था। हाँ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी अगर जो मेरे वीडियो पे आज पहली बार ही आए हुए हैं तो उनको मैं बता दूँ कि ताकि आप फिर मेरे को जज ना करें कि मैंने इतने छोटे रखे हुए हैं। तो बेसिकली ये वाला तो अभी सेपरेट रह रहा है और ये कुछ दिनों में इसका टैंक और बड़ा अपग्रेड हो जाएगा। ये जो छोटे वाले लाया हूँ ये यहाँ पर सिर्फ प्रॉब्ली बस एक मंथ के लिए हैं, बिकॉज़ इनको मैं एक टर्टल पॉन्ड में शिफ्ट कर रहा हूँ, और ये टर्टल पॉन्ड के लिए, ताकि इनको यहाँ पर इसलिए रखा है ताकि वो फूड के यूज़ टू हो जाएँ, कुछ खाने लगे तब मैं उनको पॉन्ड में डाल सकूँ। अगर आपने अभी तक पॉन्ड का वीडियो नहीं देखा तो ऊपर लिंक रिफ्लेक्ट हो रही है, तो आप उसमें चेकआउट कर सकते हैं कि मैं इनको कौन से पॉन्ड में डालने वाला हूँ। इसको मैंने इसलिए अलग किया था क्योंकि ये बड़े वाले टर्टल को बाइट करने लग गया था और इसको फिर मैंने अलग किया। बट फिलहाल आप अभी देख सकते हैं कि इन सबका टैंक का पानी आप देखिए कितना क्लियर है। ये आप देख सकते हैं कि कितना क्लियर रखा है, ये देखिए। तो सबसे पहले तो आपको मैं ये अब दिखाऊंगा कि ये इतना क्लियर कैसे हो रखा है। और ये तो अवॉइड नहीं कर सकते जो आप ये ग्रीन ग्रीन से एलगी से देख रहे हैं, बिकॉज ये जो लाइट है ये लाइट डायरेक्टली पानी में पड़ती है जिससे कि एलगी आती है। एलगी आने के दो रीज़न होते हैं, सब उनको जो एलगी आते हैं सिर्फ दो रीज़न से, कि पहला होता है कि उनको लाइट चाहिए, जो लाइट उसको ऊपर से मिल रही है, दूसरा एक उसको एक फूड सोर्स चाहिए जो उसको टर्टल के फूड वेस्ट से मिलता रहता है, इसलिए एलगी आती रहती है। तो वो आप ज़्यादा अवॉइड नहीं कर सकते, बट यस आई कैन गिव यू अ टिप कि मैंने यहाँ पर भी कवर नहीं लगाया बिकॉज मेरे को तीनों एक्वेरियम के लिए लाइट करनी है, इसलिए मैंने इसको कवर नहीं लगाया। बट आप कवर लगा सकते हैं ताकि वो सिर्फ फोकस बास्किंग लाइट पे मारे, पानी पे ना जाए, ताकि वो एलगी अवॉइड कर सकें। तो अब आप देख सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि ये जो मैंने स्टोन्स लगाए हैं ये एक सबसे बड़ा एक रीज़न है मेरा कि मेरा पानी क्लियर रहता है, क्योंकि ये जो बड़े स्टोन्स हैं इसमें होता क्या है कि जो भी टर्टल का सॉलिड वेस्ट है, और जब पानी फिल्टर की वजह से सर्कुलेट होता रहता है तो जो सॉलिड वेस्ट है उसका, वो सब जाके इस बड़े स्टोन्स के नीचे जाके फंस जाता है और वो बड़े स्टोन्स उसको निकलने नहीं देते हैं। तो ट्राई कर सको कि अगर आप ये बड़े स्टोन्स अगर आप लगा सकते हैं अपने एक्वेरियम में एक कोने में कहीं पर एडजस्ट कर सकते हैं तो आप कर दीजिए, क्योंकि वो आपको बड़ा ही हेल्प करेगा कि उस पूरे वेस्ट को एक जगह समेट के रखने के लिए। बाकी मैं अब चलो ये फिल्टर को और इस फिल्टर को खोल के दिखाता हूँ वो वाला, कि
कि मैंने इनके अंदर क्या लगाया हुआ है और इस स्टोन्स के अंदर क्या डाला हुआ है जिससे कि पानी हरदम इतना क्लियर बना रहता है, प्लस फिल्ट्रेशन उसकी कैसे इम्प्रूव रहती है। वैसे चलो मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ अपने पॉन्ड का कि जो चीज़ें मैंने यूज़ करी हैं अपने फ़िल्टर के अंदर, वो इनफैक्ट मैंने अपना जो एक हैंडमेड फ़िल्टर बनाया था जो आप पीछे यहाँ पर अभी देख सकते हैं, ये वाला पॉन्ड के लिए मैंने खुद से बनाया था अपना डैट, तो इसमें भी वो सारी मीडियाज ऐड किए हैं, उसकी वजह से आप देख सकते हैं कि पानी कितना क्लियर रहता है इसका। मैंने कुछ ज़्यादा कुछ फिल्ट्रेशन और नहीं है बट, लेकिन वो जो मैंने फ़िल्टर अपने हाथ से बनाया उसकी वजह से इसका पानी काफ़ी क्लियर रहता है। तो मैं अब आपको बताता हूँ, मैंने अपनी अभी दो फिल्टर साफ़ करके ले आया हूँ, अब मैं इसको दिखाता हूँ कि मैंने कैसे एडजस्ट किया और क्या चीज़ें मैं अंदर मिलाता हूँ जिससे कि टर्टल फिल्ट्रेशन काफ़ी अच्छा रहता है। सो अब आपको मैं दिखाना चाहूँगा, अगर आप देख सकें तो जो मैं तीन एक्स्ट्रा चीज़ें अपने फिल्टर में डालता हूँ इसको बोलते हैं बायो बॉल्स, और फिर सेरेमिक रिंग्स, एंड देन एक्टिवेटेड कार्बन्स। तो अब मैं इन तीनों चीज़ों के आपको एक बेनिफिट्स बताता हूँ, तो ये आप अलग से ले सकते हैं, उसका मैं लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ये मैं रेगुलरली आप अमेजोन या एक्वेरियम शॉप से ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इनकी इंपॉर्टेंस बता दूँ कि ये क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो जो बायो बॉल्स और सेरेमिक रिंग्स हैं ये क्या होता है कि ये आपके एक्वेरियम में एक अच्छा खासा सरफेस प्रोवाइड करते हैं टू लिव द हेल्दी और बेनिफिशियल बैक्टीरियाज ऑन देम। अगर ये आप अपने एक्वेरियम में डाल रहे हो तो इनके ऊपर बेनिफिशियल बैक्टीरिया लिव करते हैं और इनके ऊपर बने रहते हैं। उनकी इंपॉर्टेंस क्या है मैं आपको बताता हूँ। जब भी आपका जो टर्टल वेस्ट निकलता है या फूड या फिश वेस्ट निकलता है एक्वेरियम वाटर के अंदर, तो वो बहुत ज़्यादा अमोनिया और नाइट्रेट प्रोड्यूस करता है, और उसको वो अगर पानी में अगर भरता रहे और एक्वेरियम साइकिल में वो अगर उसको कन्वर्ट नहीं होगा वो नाइट्रेट में, तो ये क्या होता है बहुत टॉक्सिक हो जाता है उनके लिए और टर्टल बीमार पड़ने लगता है। तो जो ये इनके ऊपर जो एक बेनिफिशियल बैक्टीरिया जमा होते हैं वो इस बैक्टीरिया अमोनिया और नाइट्रेट को ब्रेक करते हैं नाइट्रेट में, जो बहुत इंपॉर्टेंट एक साइकिल है, एक्वेरियम साइकिल है, तो इसलिए हम इसको लगाते हैं। तो अगर आप ऑलरेडी स्पंज फिल्टर यूज़ कर रहे हैं तो देन आपको ये लगाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज एनीवेज आपने ऑलरेडी स्पंज लगाया हुआ है जो अच्छा खासा एक सरफेस प्रोवाइड करता है बेनिफिशियल बैक्टीरिया को इसमें ऊपर जमा होने के लिए। बट स्टिल अगर अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट मैं आपको बता दूँ वो है जो कार्बोनेटेड कार्बन्स, इनका क्या होता है जो एक्टिवेटेड कार्बन्स हैं इनका क्या काम है कि ये जो आप कंप्लेन करते हो कि आपका जो टर्टल का वड्यू से कि पानी से थोड़ी बदबू आ रही है, तो ये इट्स एलिमिनेट्स द बैड ऑडर सबसे पहली चीज़। दूसरी, इट प्यूरीफाइज दी ऑल अनहार्मफुल मेटल्स प्रेजेंट इन द वाटर, उनको प्यूरीफाई करता है। दूसरा, ये जो कार्बन होता है जो पूरी डर्ट और उसको है इसको प्यूरीफाई करता है और बिल्कुल क्लीन करता है, क्लियर करता रहता है वाटर को। तो एक्टिवेट कार्बन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके फिल्ट्रेशन सिस्टम में। अब आप क्या कर सकते हैं कि अगर आपके पास ऑलरेडी स्पंज फिल्टर है तो ये तो आपका बेनिफिशियल बैक्टीरिया का काम एब्जॉर्ब के लिए एक सरफेस का काम ऑलरेडी आपका स्पंज फिल्टर तो कर ही रहा है, पर आप इसको अब कैसे, तो ये क्या होता है थोड़े छोटे साइज़ में आप इसको ओपनली तो डाल नहीं सकते बिकॉज टर्टल इसको खा लेंगे। तो आप जैसे कि ये तो मैं बिग बास्केट एक आप अगर यूज़ करते होंगे तो आपको पता होगा कि ये आता है और इससे आप अपने जो फ्रूट्स आते हैं वो इसमें आते हैं। तो क्या कर सकते हैं, तो आप पूरे बायो जो आपका है आप एक नेट में बना के डाल सकते हैं। तो जैसे कि मैं बताता हूँ कि मेरा जो मैंने आपको अपना बड़ा स्टोन दिखाया था कि मैंने कहा था कि आप रखिए कोने में जिससे कि वो काफ़ी ऑब्जर्व करेगा, तो उसमें मैं क्या करता हूँ, मैं ये ऐसे बायो बॉल्स और आपका सेरेमिक रिंग्स और एक्टिवेटेड कार्बन्स को मैं इसमें डाल लेता हूँ, इसको इस बैग को बना के मैं सीधा डाल देता हूँ स्टोन के नीचे। तो अभी तो मैं फिलहाल वीडियो के लिए आपको इसका छोटा पोर्शन दिखा रहा हूँ, बट आप क्या कर सकते हैं कि आप इसको फुल भर सकते हैं आप द बायो बॉल्स सेरेमिक रिंग्स एंड देन एक्टिवेटेड कार्बन।
अब ये पूरा बैग बना के जो मैंने आपको बताया कि आप कोने में एक बड़े स्टोन्स का एक पाइल लगा के उसके नीचे इसको रख सकते हैं और ये बहुत आपको हेल्प करेगा कि आपके एक्वेरियम को हरदम क्लीन बना के रखने के लिए। तो ये तो बात हो गई कि अगर आप स्पंज यूज़ कर रहे हैं तो आप इसको एक सेपरेटली एक्टिवेटेड कार्बन को बैग में, अगर आपके पास हैंग ऑन फिल्टर है तो ऑनेस्टली मैं रिव्यू देना चाहूँगा हैंग ऑन फिल्टर का। ये एक्चुअली इट्स गुड फॉर ओनली फॉर इफ़ यू आर बाइंग बेबी टर्टल्स, क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा बायोमीडिया है नहीं और ये इतना फिल्ट्रेशन कर नहीं पाता। इट जस्ट गिव्स यू द वाटरफॉल का एक फील। तो मैं अगर आपको दिखाना चाहूँ तो इसके अंदर बस इतना है, बाकी ये खाली है। तो आप इसमें क्या कर सकते हैं कि जो रिंग्स हैं आप रिंग्स को थोड़ा सा ब्रेक हाफ ब्रेक करके आप इसको डाल सकते हैं इसके अंदर। और उसके बाद जो आपके एक्टिवेटेड कार्बन है वो आप डाल सकते हैं बैक पोर्शन में कुछ इस तरह। और इसको आप कुछ इस तरह क्लोज कर दें तो ये आपका हो गया एक एडवांस फिल्ट्रेशन रेडी। इससे क्या होता है, अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक्टिवेटेड कार्बन पानी के बदबू को हटाता है, पानी के मेटल्स के जो हार्मफुल मेटल्स हैं उनको क्लियर करता है, प्योरीफाई करता है और क्रिस्टल क्लियर करता है। बाकी आपका बायो बॉल्स और सेरेमिक बॉल्स एक बेनिफिशियल बैक्टीरिया को एब्जॉर्ब करने या उनको एक सरफेस देने के लिए एक बेनिफिशियल होते हैं। तो आप ये सब चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं अपने एक्वेरियम को क्लीन रखने के लिए और हेल्दी रखने के लिए। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूं, जो उसका वेस्ट है वो तो अमोनिया और नाइट्रेट हम बेनिफिशियल बैक्टीरिया से उसको कन्वर्ट कर लेते हैं टू इन लाइक लेस हार्मफुल नाइट्रेट। बट देन स्टिल आई वुड रिकमेंड अगर आपके पास फिल्ट्रेशन है तो स्टिल आप 15 to 20 days 30-40% पानी चेंज करते रहें, स्टिल यू हैव अ फिल्टर, बिकॉज आप उसका सॉलिड वेस्ट तो कन्वर्ट कर ले रहे हैं बट जो उसका पी एज इन टॉयलेट होता है वो आप नहीं, मतलब वो पानी में मिक्स होता रहता है, वो भी हार्मफुल होता है। तो उसकी वजह से हमको पानी चेंज करते रहना चाहिए। सो गाइज, ये जो बेसिक चीज़ें थी कि जो आपको मैंने दिखाई कि ये सब चीज़ें हैं जो आप अपने एक्वेरियम में साइड में जिस तरीके मैंने आपको 2-3 तरीके बता दिए कि आप छोटे नेट बना के कुछ भी हो उसको लेके आप एक स्टोन के नीचे साइड में रख दें, या आप अपने फिल्टर में जो है उसमें एडजस्ट करके डाल लें, या आप कर सकते हैं कि आप आधा स्पंज को काट के ये पूरा बेस को नीचे कुछ इस तरह डाल के ऊपर से ऐसे कर दें, तो ये आपका काफ़ी हेल्पफुल रहेगा कि आपके एक्वेरियम को क्लीन रखने में और टर्टल के फिल्ट्रेशन को क्लियर रखने में। सो आई बिलीव आपको ये थोड़ा हेल्पफुल लगा होगा। और ये सब फिल्ट्रेशन अगर आप यूज़ करेंगे तो आपको प्रॉब्ली यू कैन सी अ डिफरेंस विद इन 2 weeks। इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर अभी लॉकडाउन की वजह से या सब कुछ आप ऐसी जगह रह रहे हैं जहाँ अभी सप्लाईज नहीं आ रहे हैं, तो अगर आपको स्टिल एक एक्टिवेटेड कार्बन टाइप का एक फिल्ट्रेशन क्रिएट करना है अपने घर पे इजीली, काइंड ऑफ डाई बोलते हैं जो कि खुद बना लो आप, तो आप क्या कर सकते हो, आसपास आप ट्राई करो, जो भी आपका आयन वाला बंदा है जो चारकोल कोल लेता है वो आप थोड़े, तो एक बैग में आप थोड़ा वो चारकोल और आपका जो नारियल का जो हार्ड शेल होता है जो आप फोड़ते हैं उस हार्ड शेल को, और प्लस थोड़े बैम्बू स्टिक्स को या छोटे छोटे स्टिक्स बना के या छोटे छोटे चॉप करके उसको एक बैग में बांध के आप कोने में कहीं फिल्ट्रेशन स्टोन के नीचे डाल सकते हो, तो वो भी एक एक्टिवेशन कार्बन जैसा काम कर सकते हो जो आप इजीली घर पे बना सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। तो ये मैंने आपके साथ शेयर किया अपना पर्सनल एक्सपीरियंस कि मैं अपने टर्टल एक्वेरियम के फिल्ट्रेशन को इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या चीज़ें यूज़ करता हूँ। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास अच्छे कोई आइडियाज़ हों या कुछ बेटर आइडियाज़ हों तो प्लीज़ डू ड्रॉप योर कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन, ताकि मैं वो नेक्स्ट टाइम उनको भी कवर कर सकूं। बाकी जो मेरे न्यू व्यूअर्स हैं उनको मैं बता दूं कि मैं कुछ इसी तरह टर्टल्स फिश केयर पे प्लस आपके पॉन्ड कोई पॉन्ड मिनी पॉन्ड प्लस एक्वेरियम शॉप के टूर करता हूं, ऐसे ही वीडियो बनाता रहता हूं। तो अगर आपको ऐसे और कंटेंट देखने हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल टू गेट मोर अपडेट्स ऑन द सेम, एंड डो नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको नए वीडियो का अपडेट मिले। प्लस आपको मैं अभी जस्ट रियलाइज़ कर रहा था, अगर आप देख सकते हैं कि ये मेरा बड़ा वाला टर्टल है जो अप्रॉक्स मैं 2 साल पहले लाया था और ये अभी लाया हूँ पॉन्ड के लिए। आप देख सकते हैं गाइस कि
इतना डिफरेंस है इसमें, मतलब आई एम जस्ट इमेजिनिंग कि मैं जब पहले लाया था इस वाले को तो ये इतना ही छोटा था। सो ओके विद दैट नोट गाइस, प्लीज़ डू आई मीन लाइक एंड कमेंट, और अपने दोस्तों के साथ मेरे चैनल को शेयर करें। आप अपना सपोर्ट बनाए रखें ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे और मैं ऐसे ही टर्टल रिलेटेड वीडियोज़ लाता रहूँ। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।